दूसरा है कर्मयोग। कर्मयोग सुनने से ही लगता है कि कर्म करें और योग बन जाए। कर्म कैसे योग बन जाता है? योग के लिए तो कुछ करना पड़े ना, आसन करें, प्राणायाम करें, समर्पण करें, भक्ति करें, पूजा पाठ करें, मंत्र करें, तंत्र करें, यंत्र करें, तब तो योग सधे। शीर्षासन करें, शवासन करें, मयूरासन करें, कुछ भी आसन करें, तब तो योग होगा। ये कर्म योग क्या है? योग कर्मसु कौशलम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं योग क्या है, कुशल कर्म करने का नाम ही योग है, और योग भक्त भगवान के मिलन के अवस्था का नाम है। योग जीव और ब्रह्म के मिलन की अवस्था है, योग आत्मा और परमात्मा के मिलन को कहते हैं। तो कर्म योग, जैसे योग दर्शन की चर्चा कल हुई थी अष्टांग योग के पहले से दूसरे सूत्र में ही, कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। कर्म करते करते चित्त वृत्तियों का निरोध संभव है। कर्म योग क्या है और कैसे किया जाता है? क्या कर्म भी योग बन सकता है? हमारे किए हुए कर्म भगवान तक पहुंचा सकते हैं? सिर्फ भाव का खेल है। जैसे भक्ति में भाव का खेल था, वैसे ही कर्म में भी भाव का खेल है। व्यक्ति कुछ भी कर ले बिना कर्म किए रह नहीं सकता। कोई बोले हमने कर्म संन्यास ले लिया है, वो अवस्था आपकी होगी, लेकिन बिना कर्म किए संसार में लोग जी नहीं सकते। चलना तो पड़ेगा, नहाने जाना तो पड़ेगा, ये भी तो कर्म है। सांस तो लेनी पड़ेगी, ये भी कर्म है। खाना तो खाना पड़ेगा, ये भी कर्म है। खाना पकाना पड़ेगा, ये भी कर्म है। और जिन खाने को पकाएंगे उसके लिए खरीद के लाने के लिए कमाना पड़ेगा, ये भी कर्म है। बिना कर्म के तो जी नहीं सकते। कर्म योग बन जाता है तब जब कणकण में व्याप्त परमात्मा के स्वरूप को हम हृदय में स्थापित करके किए हुए हर कर्म को उसी को समर्पित करते हैं, तो हमारा हर कर्म योग बन जाता है। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई प्रार्थना, कोई पूजा, कोई जरूरत नहीं। हमारा कर्म ईश्वर तक ले जाएगा। केवल हमारा मानसिक समर्पण हो उस कर्म के प्रति, कि जो कर्म किया जा रहा है ये स्वार्थ के लिए नहीं है, परमात्मा के लिए है। कैसे? जब आप बर्तन धोते हैं घर में, माताएं धोती हैं, तो अगर भाव ये आ जाए कि अरे बहुत बर्तन है, काम करना पड़ता है, नौकरानी भी नहीं आती है, और ये सास तो ऐसे ही बैठी रहती है, और हमको लाके कहाँ बिठा दिया, पति भी ऐसे है, नौकर भी नहीं ला रहे हैं, तो समझ लो ये कर्म बंधन बनने वाला है, ये आशक्ति बनने वाला है, आपके लिए बंधन बनने वाला है कर्म। और अगर यही भाव हो कि परमात्मा ने ये अवसर दिया है, ये घर वाले सब देव सुर, सबके अंदर परमात्मा है, मैं सेवा कर रही हूं या कर रहा हूं, तो समझ लीजिए कि वो कर्म आपका योग बन जाएगा, ईश्वर से मिलाने वाला हो जाता हो जाएगा। हम जो कर्म करते हैं उसमें हिंदुस्तानी लोग उपेक्षा से करते हैं और पश्चिमी लोग आसक्ति से करते हैं। इतने लग जाते हैं कि लग ही जाते हैं, और यहाँ वाले अरे हो जाएगा, चल रहा है, कर लेंगे, उठा के रख दिया। कुशलता कर्म में नहीं होती, और योग का नाम है कुशल कर्म। असफलता मिलती है तो हम दोष देते हैं अलग अलग परिस्थितियों को, अलग अलग लोगों को, लेकिन अगर कुशल कर्म किया गया है तो परिणाम भी कुशल ही आएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का यह श्लोक कर्मयोग ही है कि कर्म करिए, फल की इच्छा न करिए, अन्यथा आप फंस जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे, और आसक्ति बहुत बड़ी बीमारी है, जन्म जन्म तक आपको पीछा नहीं छोड़ती। तो लोग कहते हैं कि कर्म करें, फल की इच्छा कैसे न करें। समस्या है बड़ी कि कर्म ही क्यों करें जब फल ही नहीं चाहिए। कर्म तो इसीलिए किया जाता है कि कोई फल मिले। यहां बहुत बारीक फर्क है कि आप योजनाएं बनाइए फल के लिए। योजना बनाते समय तो कोई दिक्कत नहीं है
कि इस कर्म को करने से ये फल मिलेगा, योजना बना ली और फिर लग जाइए कुशल कर्म करने में। और समस्या ये खड़ी हो रही है कि योजना तो बना ली हमने, लेकिन कर्म करते समय ध्यान तब भी फल पे ही है और कर्म की कुशलता में कमी आ जाती है। विद्यार्थी पढ़ाई पढ़ता है, ठीक है, वो अपने नजर में रखे कि पास होना है, इसके लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान कम और पास होंगे या नहीं इस पे ज्यादा ध्यान चला जाता है। अगर कुशल कर्म किया जाए, भूल जाए कि परिणाम क्या होगा, पुरुषार्थ पूरा किया जाए तो परिणाम भी उचित ही आएगा, फल लेके आएगा, लेकिन आप तो आसक्त नहीं होंगे। हर कर्म अपने आप में एक फल लेकर आता है, किए हुए एक्शन का रिएक्शन होता ही है, और हम आशा रखें या ना रखें, हम चाहत रखें या ना रखें, वो परिणाम अपना देगा ही। एक आदमी बूढ़ा जीर्ण शीर्ण बीमार सड़क पे जा रहा है, गिर गया, किसी ने उठा दिया, तो उठा दिया, आपका कर्तव्य है उठाना, लेकिन आप दुखी हो गए थोड़ी देर के बाद, कैसा बूढ़ा आदमी है, इसने धन्यवाद तक नहीं दिया। क्या आपने धन्यवाद के लिए उसे उठाया था? यह आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है कि एक बुजुर्ग आदमी गिर रहा है तो उसे उठा देना चाहिए। उठा देने में ही जो आनंद आपको मिला वही उसका फल है उस कर्म का। और हम आशा रख लेते हैं कि बेटा कमाएगा, बेटा हमारे लिए ऐसा करेगा, पूरी छवि बना के रखते हैं और फिर बेटा की सेवा करते हैं, तो समझ लीजिए कि बंधन बनने वाला है। अगर बेटे ने आपको आपके अनुकूल व्यवहार नहीं किया तो जीवन दुख बन जाएगा। हर आदमी कर्मयोग कहता अपनी ड्यूटी पूरी करिए, अपना कर्तव्य पूरा करिए, शिक्षक को शिक्षक का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। जो ड्यूटी है वो पूजा है, कर्तव्य हमारी पूजा है, और यही कर्मयोग है। जो सिपाही को काम मिला है तो ठीक से कुशल जो कर सकता है वो करे, फिर अगर कोई पूजा ना भी की तो किया हुआ वो कर्म उसके लिए पूजा से बढ़कर है और भगवान उसे भी मिल जाएंगे। ये आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाला योग हो जाएगा। पिता पुत्र से आशा रखता है, पुत्र पिता से आशा रखता है कि पिताजी की सेवा मैं इसलिए कर रहा हूं कि सारा धन मुझे दे के जाएंगे। अगर उनका दिमाग बदल गया और किसी ट्रस्ट को दान दे के चले गए, कुंभ के मेले में आके खर्च करके चले गए, तो क्या कर लेंगे, उनका पैसा है। तो सेवा इसलिए कि ये मिलेगा, कर्तव्य का पालन करना ही कर्मयोग है। हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं और उसके फल की आशा रखते हैं, परिणाम गलत आता है तो दुखी होते हैं, और निश्चित ही परिणाम उल्टा आने वाला है। कभी कभी हो भी जाए, कभी कभी आपने पुत्र से आशा रखी है वैसा व्यवहार कर भी दे, कभी कभी पिता से पुत्र ने आशा रखी है वैसा व्यवहार कर ही दे, सास सोचती है कि बहू ऐसा ही करे, मैं जैसा सोचती हूँ वैसा क्यों नहीं सोचती, मेरे हिसाब से ही क्यों, हर आदमी अलग अलग है, और मैं इस बहू को नहीं इस बहू को ज्यादा करूँ क्योंकि ये मेरे हिसाब से नहीं है, और ये बहू भी आपके हिसाब से न हुई तो कहाँ जाइएगा। और बहू अगर सास की सेवा करे इस ख्याल से कि मेरा ख्याल सासू जी रखेंगे, आप अपने कर्तव्य का पालन करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा कभी ना करी, योजना बनाइए, फल तो खुद मिलता है। पेड़ अगर हमने लगाया है तो कर्तव्य है उसको संरक्षित करना, सुरक्षित करना, कोई गाय बैल ना चर जाए, उसमें खाद पानी देना, ध्यान रखना बस, या इंतजार ही करते रहना, ना पानी डाले टाइम पे, ना उसका इंतजाम किया, फल तो अभी तक आया नहीं, फल तो अभी तक आया नहीं, और ना आए फल तो किसी किसी सीजन में हो सकता है कि आंधी तूफान आ जाए और उसकी कली ही टूट के गिर जाए, फल ना आए तो दुखी होंगे ना। सुख और दुख भी कर्म योग के अंतर्गत है। हमारे दुखों का कारण फल के प्रति आसक्ति है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये कर्म योग का मूल रहस्य है कि कर्म करिए, कर्तव्य पालन करिए पूरे संपूर्ण अस्तित्व के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ, और फल को छोड़ दीजिए कर्म के ऊपर। फल को भगवान के ऊपर मत छोड़िए, क्योंकि यहां भगवान का रोल ही नहीं है कर्मयोग में, सीधे सीधे आपके क्रिया का रोल है कि कर्म को, फल को छोड़ दीजिए अपने कर्म की कुशलता के ऊपर। यदि कर्म में कुशलता है तो फल को घसीट कर लाएगा, और जिस क्षण ये घसीट के लाने लगेगा आपका चित्त इतना एकाग्र हो जाएगा, तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधः,
चित्त वृत्तियां शांत हो जाएंगी और परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, जीव और ब्रह्म का मिलन हो जाएगा। कहते हैं रामतीर्थ, स्वामी रामतीर्थ से उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव कर्म योग क्या होता, तो उन्होंने कहा कर्मयोग कुछ नहीं, केवल अपने भावों का परिवर्तन है। तो कैसे, एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, वहां गए जाकर दिखाया, मजदूर काम कर रहे थे। एक मजदूर से पूछा भाई क्या कर रहे हो, वो चिल्लाया आंखें फूट गई है क्या, देखते नहीं कि मजदूरी कर रहा हूं, पेट भरना है किसी तरह। दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो, उसने कहा मैं नौकरी कर रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं। तीसरे से पूछा क्या कर रहे हो, बोले भगवान का मंदिर बन रहा है, सेवा का अवसर मिला है, इसमें मैं सेवा कर रहा हूं। स्वामी रामतीर्थ ने कहा तीनों को मजदूरी तो मिलेगी ही, लेकिन तीसरे को सब मिल जाएगा, क्योंकि इसका कर्म योग बन रहा है। कार्य को समर्पित कर दें, दिव्य भाव से ओतप्रोत हो जाए, तो हमारा किया गया कर्म योग बन ही जाएगा, जीव और ब्रह्म को मिला ही देगा। और इसके अभाव में हम भटकते रहते हैं, कोई सिखा दे कुछ, कुछ बता दे, कहीं एक डिब्बा पे सिंदूर लगा दे, कहीं एक बांस पे सिंदूर लगा लें, कहीं मजार मिल जाए जो हमारा ऊपर कृपा बरसा दे, कोई सिद्धि दिला दे, कोई नहीं दिलाने वाला। आपका कर्म आपके लिए तपस्या है, आपके लिए थाती है, जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसे ईश्वर को समर्पित करें। यदि विद्यार्थी में शिक्षक, विद्यालय में शिक्षक पढ़ा रहे, तो बच्चों के अंदर भगवान के दर्शन करके उन्हें पढ़ाएं। एक बार एक महात्मा जी तपस्या करते थे। तपस्या करते करते एक दिन पेड़ से चिड़िया ने कुछ तिनके गिरा दिए, तो ऊपर क्रोधित होकर महात्मा ने देखा कि चिड़िया जलकर भस्म हो गई। महात्मा को ऐसा एहसास हुआ, ऐसी अनुभूति होने लगी, अंदर से खुशी भी हुई कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हो गया कि मेरे देखने से चिड़िया भस्म हो सकती है। अगले दिन भिक्षाटन के लिए गए, भिक्षा मांगते रहे, भिक्षाम देही करते रहे, और एक जगह गए, गृहस्थी के दरवाजे पे आवाज लगाई, भीतर से आवाज आई बाबा अभी कुछ क्षण रुकिए मैं आती हूं। कुछ विलंब हो गया, बाबा नाराज हो गए, जैसे ही वो अनाज सामान लेकर आई देने, एकदम क्रोधित हो गई कि मूर्ख जानती नहीं मैं कौन हूं, मैं इतना बड़ा संत हूं। तो उस स्त्री ने कहा कि बाबा यहां कोई चिड़िया नहीं जो आपके देखने से भस्म हो जाएगी। अब संत को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगे तुम कौन सी तपस्या करती हो, किस मंत्र का जप करती हो, तुम्हारे इष्ट कौन है, तुम्हारे गुरुदेव कौन है, तुम्हारे पूजा की प्रक्रिया क्या है, मुझे भी बताओ ये दिव्य दृष्टि कैसे मिली, मैंने जंगल में चिड़िया जलाया और तुझे यहां पता चल गया कि मैंने चिड़िया को जला दिया। उस स्त्री की आंखों में आंसू था, महात्मा को लेकर अंदर गई, दिखाया बूढ़े सास ससुर अपाहिज पति, और कहा कि मैं इन्हीं को भोजन करा रही थी, मेरे लिए यही भगवान है और इनकी सेवा से ही मुझे दिव्य दृष्टि मिली है। कर्तव्यों का पालन अगर समर्पित होकर किया जाए तो ईश्वर को प्रकट होना पड़ता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि सारे प्रकट हो जाए केवल कर्म करने से। बर्तन धोते धोते माताओं को भगवान मिल सकते हैं, हल चलाते हुए किसानों को भगवान मिल सकते हैं, बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में लगे हुए जवानों को भगवान मिल सकते हैं। केवल भाव ये रहे कि जब जो हम कर रहे हैं वो ईश्वर के लिए कर रहे हैं, हमारे देशवासी सब ईश्वर के रूप हैं ये सेनानी समझ लें, और उनकी रक्षा के लिए हम यहाँ खड़े हैं। हमारे परिवार के जितने बाल बच्चे बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके भीतर परमात्मा विराजमान है, और प्रभु को भोग लगाने के लिए हम ये भोजन बना रहे हैं, और चिड़ के खिज के भोजन बनाया पटक के नाराज होके, अरे श्रद्धा भाव से प्रभु को भोग लगाने के लिए, अपने पति को तो कभी ठीक से खिलाया नहीं, ठाकुर जी के लिए पूरा भोग लगाने के लिए इंतजाम किया, और रोज पति से लड़ जाती है कि आप तो रहिए अभी ठाकुर जी का भोग लगने वाला है,
और ठाकुर जी कहते अरे उसके भीतर भी मैं बैठा हूं, उसका तो आदर कर लो। और पति भी ऐसे होते हैं कहीं, कभी हनुमान जी को मुझे चढ़ावा चढ़ाना, पत्नी को 10 गाली दे के जाते ना आके, भीतर उसके भी तो भगवान हनुमान जी बैठे हैं। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि संन्यास लेना है मुझे, तो उन्होंने कहा शादी हुई, बोले हो गई है, बच्चे हैं तो बच्चे हो गए, तो क्यों संन्यास लेना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कण कण में व्याप्त परमात्मा का दर्शन करके हर जीव में जो परमात्मा है मैं सेवा करना चाहता हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तुझे तेरे अपने बच्चे में परमात्मा दिखाई नहीं पड़े, तुझे तेरी पत्नी में भगवान दिखाई नहीं पड़े, पहले उसकी सेवा कर ले, कहीं बाहर भगवान अलग से खरीद के नहीं लाए जाते, इम्पोर्ट नहीं किए जाते। और आजकल माँ बाप घर में पड़े हैं, बीमार बूढ़े बुजुर्ग सेवा के केंद्र खोले जा रहे हैं, खोले जाने चाहिए, सेवा भी होनी चाहिए, लेकिन ये उन लोगों के लिए संकेत है, जरा अपने माँ बाप को भी देख लो। जाकर दूसरे जगह बड़े बड़े आप अभियान चलाते, अपने पड़ोसियों को भी देख लो, कभी वहां भी तकलीफ है, वहां भी दर्द है। तो कर्म योग, हमारा किया हुआ हर कर्म, हमारा चलना, हम चलते हैं तो विचार करें क्यों चल रहे हैं अभी ये, अगर यहां तीर्थ में आए हैं, तीर्थराज में आए हैं, यहां कुंभ के अवसर पर आए हैं, तो ये भाव लेके न चलना कि मेले में सजावट कितनी है ये देखने जा रहा हूं, मेले में कैंप कैसे लगे हैं ये देखने जा रहा हूं, चले कदम तो ये भाव रखना तीर्थराज के कण कण में व्याप्त उस दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत होने के लिए मैं ये चल रहा हूं, जिधर भी जा रहा हूं प्रभु मेरे अंदर समा रहे हैं और कृपा हो रही है, मेरे कदम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, तीर्थ यात्रा हो रही है। लोग कहते हैं कि बहुत दूर है संगम यहां से, और आज जो नहीं चल पाते आलसी प्रमादी लोग हैं उनके लिए भगवान ने इंतजाम कर दिया, 4 किलोमीटर पैदल चलिए तब शुगर कंट्रोल में रहेगा। और लोग बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो कदम नहीं नीचे रखते थे, कहां से आ रहे हैं, बस 4 किलोमीटर चलता हूं, कई कई बार तो 8 किलोमीटर में चल लेता हूं, ये मेरा एकदम रूटीन है, अभ्यास है, यहां क्या प्रॉब्लम हो गई, 5-6 किलोमीटर संगम है, एक बार बीच में गैप मारिए तो आपके 1.5 दिन का शुगर जलाने वाला काम हो गया, नहीं बड़ा दूर है। अरे संगम में नहाने आए हो, जितने कदम चलेंगे उतना ही कल्याण होगा, चल दीजिए। और ये भाव, सारा खेल भाव का है। ये था कर्मयोग।